अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भी ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध खनन मामले में इनेलो नेता दिलबाग सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर से बताया जा रहा है करोड़ों बरामद हुए हैं। रेज में 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, साथ ही अवैध शराब की बोतलें बरामद हुए हैं। इसके अलावा अवैध विदेशी हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक है दिलबाग सिंह, अभी भी दिलबाग सिंह के ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसको लेकर के ईडी की टीम एक्शन लेने पहुंची है। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए। अनुज, कार्रवाई अभी भी जारी है, कितने ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या क्या अभी तक बरामद हुआ है, जरा जानकारी दें इस खबर के बारे में। जी देखिए, इलीगल माइनिंग के मामले में ईडी की टीम ने कल सुबह से ही छापेमारी की। करीब 20 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी की गई, जिसमें दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। जाहिर तौर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से जिस तरीके से कैश की बरामदगी हुई, करीब 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, साथ ही साथ विदेशी पिस्टल मिले हैं, करीब 300 के आसपास कारतूस मिले हैं, 100 के करीब महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। इतना ही नहीं, करीब 4 से 5 किलोग्राम के आसपास सोने के बिस्किट मिले हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो हैं वो ईडी ने जब्त किया है। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है। जाहिर तौर पर कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी की टीम कल सुबह से ही न सिर्फ दिलबाग सिंह की बात की जाए, बल्कि उनके जो तमाम एसोसिएट्स हैं, उनके जो तमाम करीबी हैं, उनके ठिकानों पर ये रेड की गई, जिसके बाद ये तमाम चीजें बरामदगी हुई हैं। जी बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, जरा जो ईडी जिस तरीके से छापेमारी करती है और फिर ईडी नोटों के बंडल के साथ लिखा जाता है, वो सब कुछ देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनुज ने भी बहुत सारी जानकारियां दी है। अवैध हथियार और ये सोने के बिस्किट आपको देखिए कैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, और सोने के बिस्किट के अलावा अवैध हथियार, करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कल सुबह से ही अंदाजा लगाइए कि ये छापेमारी जारी है, अभी भी छापेमारी चल रही है।